तो हेलो गाइस, आप लोगों को जैसे मैंने बोला था कि कमेंट करना, तो मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा। तो चलो फिर घर दिखाता ही हूँ मैं। तो आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। चलो फिर मैं आपको घर दिखाता हूँ, ठीक है? रेडी गो। ठीक है गाइस, ये हॉल है, ये सारा हॉल है। ये आईना है, ये सोफा है, ठीक है गाइस। ये कूलर है, हमारे घर में बर्थडे था तो आए थे। ये भी सोफा ही है, सोफे का पूरा सेट है। ये थम्सम उम्सम रखा है, थम्सम है, केला भी है। और ये एक और कमरा है, ये सारा कमरा। ये देखिए गाइस, ये तीन तीन बैग रखे हुए हैं। ये रिंग लाइट रखी हुई है, रिंग लाइट है। और इस जगह पे सारे कपड़े हैं। ये कलर है, ये फर्नीचर है। ये मैंने पहली पेंटिंग, वो मतलब पहले ये बनाया था, सबसे पहले नाम भी लिखा है विशाल। ये देखो, ये कमरा है पूरा, ठीक है। इस कमरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और ये हमारे पिताजी का कमरा है, सबसे आगे वाला। इसका ये कलर है हमारे। ये टीवी लगा हुआ है। और ये पापा कमरा है, ये पापा की पगड़ियाँ रखी हैं दो, ये पापा की पगड़ियाँ रखी हैं दो। और ये मेरे पापा और मेरा भाई है। ये टीवी है, ये हमारी अम्मी जान है। ये देखो, ये पापा कमरा है हमारे, ठीक है। ये पूरा, ये मेरी मम्मी का कमरा है, इसमें तार लगा है। ये रसोई घर है, ये पूरा रसोई घर है। ऊपर ड्रॉ बने हैं, नीचे ड्रॉ बने हैं। और ये ऊपर देखो, अभी इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी चल रहा है अपन, ठीक है। ये जूते चप्पल रखने की जगह है, ये बाथरूम है। चलो ऊपर चलते गाइस, चलो चलते ऊपर। ये ऊपर एक और किचन है, गंदा पड़ा है इधर ऊपर, कोई रहता नहीं है ना, तो इसलिए। ये मंदिर है, ठीक है गाइस। ये कमरा है, ये नीचे का। इधर देखो, ये ऊपर का, इधर ये दूसरा कमरा है। ये दिवाली के दिन लेके आए थे, और कलर भी चेंज कराया था। ये सारा ठीक है। इधर प्याज वगैरह रखे हैं, क्या पता प्याज कब महंगी ज्यादा, कुछ पता नहीं चलता। कभी 80 रुपए किलो, कभी 200 रुपए किलो। तो हमने लेके रख ली सारी प्याज, जब प्याज की जरूरत पड़ती है तो इधर से ले लेते हैं। ये टूटा पंखा पड़ा है। इस कमरे में भी फर्नीचर है, टाइट वाल थोड़ी ही है, अब सेक्सी सा लग रहा है थोड़ा, ठीक है गाइस। और चलो मुझे इधर दूसरा कमरा और है। ये देखो, ये देखो गाइस, ये सामान बड़ा रखा है, सामान उमन रखा है। ये लाइट जल रही है, कमरा है। इधर कूलर रखा हुआ है, ठीक है गाइस। अभी इसके ऊपर सीधा छत है, वो बंद है, पानी नहीं आता, तो हमने उन्हें बंद कर रखा है उसको। चलो ऊपर चलते, ऊपर का नजारा दिखाते हैं मर्जो। चलो इसको गैलरी भी तो दिखानी है अभी। ये हमारे घर पर कुतिया है, उसकी है, ये कुंडी है,
इसको खोला ऊपर का नजारा है। ये चूल्हा पड़ा हुआ है, कुछ भी कहीं मन हो तो चूल्हे की रोटी खाने का तो बना लेता। ये चक्की पड़ी हुई है, ये हमारे दादा का घर है। छत है पूरी, सारा ये एक और बाथरूम है ऊपर, मतलब कभी भी इमरजेंसी के लिए दो बाथरूम। चलो भाई सुन, चल रहे ये सीढ़ियां हैं इसके ऊपर जाने की, ऊपर टंकी रखी है। और बता सही है ये गैलरी है गाइस, ये पूरी गैलरी है, छतरी डिश टीवी। तो आपने देखा ही था, अगले ब्लॉग में देखा हो तो एक और देख लो। अपना कमरा पीसी वही वही बिस्तर वही है, जैसे बाहर का व्यू दिखता है एकदम मस्त। बाहर से खटकी लगी हुई है, अभी ठंड चल रही है ना तो इसलिए लगाई है, नहीं तो वैसे कूलर लगा रहता है। इधर हटा दिया है फिलहाल में, और इधर से सीधा जाने पे कल रात में दिखा रहा था, नहीं देख पाया था। अगले ब्लॉग में अब देखो यहाँ से कितना मस्त नजारा दिखता है। देखो गैलरी है गाइस, मैंने कल बोला था कि जिसको भी मेरा घर देखना वो कमेंट बताए, तो कम से कम 2 से 3 कमेंट आए थे, तो इसलिए मैं आपको अपना घर दिखा रहा हूँ। और अगला ब्लॉग आएगा, किसी को मेरा गांव भी देखना तो कमेंट कर देना, मेरे गांव में भी एक घर है छोटा सा, वो दिखा दूंगा। छोटा नहीं है, ठीक ठाक है। और फिर गांव में जो गुफा गुफा है, पानी उनी है, मतलब नदी है, गुफा है, सब देखना हो सब सब दिखा देंगे। एक बार कमेंट करके बता देना बस, ठीक है। ओके ओके बाय, आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, बाय।